भारतीय जनता पार्टी की नवगठित प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा कसौली के विधायक राजीव सैजल का सोलन में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मंत्री राजीव सैजल के इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के नाम लेकर कहा कि उनके आशीर्वाद व अथक प्रयासों से आज भाजपा हिमाचल में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा की सरकार देश के 19वें राज्य में सत्तासीन हुई है, जिसका श्रेय सभी वरिष्ठ नेताओं तथा आम जनता को जाता है। उन्होंने कहा कि अब हमें न केवल इस सत्ता को बनाए रखना होगा, अपितु लोगों को ये दिखाना भी होगा कि भाजपा की सरकार सोचने में नहीं, करने में विश्वास रखती है। मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश का नेतृत्व युवा एवं कर्मठ नेता जयराम ठाकुर के हाथों में आया है, जिसके नेतृत्व में हिमाचल की भाजपा की सरकार विकास की नई इबारत लिखेगी। आम आदमी के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने विजन डॉक्यूमेंट को सरकार का नीतिगत दस्तावेज घोषित किया है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किए जाने पर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और पात्र को उसका लाभ मिले, इसे सुनिश्चित किया। इससे पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा कसौली के विधायक डॉक्टर राजीव सैजल, दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी को एक खुली जीप में शहर से ले जाया गया। प्राथमिकताएं तय हैं, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था उसी को जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट मान लिया गया है, और सर्वांगीण उन्नति प्रदेश की हो, और पिछले 5 वर्षों में विकास को जो ब्रेक लग गई थी न सिर्फ सोलन जिला में अपितु पूरे प्रदेश में, तो उस विकास को पटरी पर लाना और इस प्रदेश को एक अनूठा प्रदेश बनाना इस सरकार की प्राथमिकता रहेगी। अनेकों योजनाएं हैं जो कि केंद्र से आ रही हैं, और ज्यादातर योजनाएं जो हैं वो केंद्र प्रायोजित हैं, जिसमें 90% शेयर जो है वो केंद्र सरकार का है, 10% शेयर जो है वो प्रदेश सरकार का है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि ये जो योजनाएं हैं, प्रत्येक योजना का पूर्ण लाभ जो है वो जिस वर्ग के लिए वो योजनाएं आ रही हैं, जिस श्रेणी के लिए वो योजनाएं आ रही हैं, उसका लाभ जो है वो मिले। और बड़ा क्रांतिकारी एक फैसला सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, और हम सबको विदित है कि पेंशन की आयु को 80 वर्ष से घटा करके जो है वो 70 वर्ष कर दिया गया है। 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद बहुत कम लोग जो है उस पेंशन का लाभ ले पाते थे, लेकिन अब काफी ज्यादा तादाद जो है इस पेंशन के दायरे में आ गई है, और पूरे प्रदेश में लोगों को जो है इसका लाभ होगा, और इसके लिए मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।